मंत्र का अर्थ सी कि किसी देवते नूं अपने वस करन लई रिझाण दे लई किसी शक्ति नूं वस करन दे लई किसी भी एक शब्द जां शब्द समूह में वरते बहु शब्दां दा लगातार जाप करना उहनूं मंत्र कहिंदे हुंदे सन। दूसरा मंत्र दा लफ़्ज़ी अर्थ है जी उपदेश करना। तीसरा मैं लफ़्ज़ी अर्थ करांगा कि मंत्र दा अर्थ है कि सतगुरु वल्लों जग्यासू नूं सतगुरु वल्लों दित्ता होया वह शब्द जो सतगुरां ने आप कमाया है उस कमाए हुए शब्द नूं जो सतगुरु देंदे ने वह पत्थर खिरदियां दे विच वी प्रफुल्लत हो जाता है। साडे भारत विच भूत प्रेतां दे विरोध विच वी मंत्र पढ़े जाते रहे उन्हां नूं वस करन लई भी मंत्र पढ़े जाते रहे। ये मंदरी मंत्र करदे इत्थे वी इत्थे इस मुल्क विच वी बिड़ा बैठा वै खिमा करदे आ जी तवीतां धागां वाले आ कर देंगे असीं आ कर देंगे मियाँ जी आ कर देंगे दूजे आ कर देंगे। उंज मंत्रां विच बहुत कुछ भैड़ा भी पिया है गुरमुखो पर गुरु साहब ने सब तो वड्डा मंत्र मन्निया वाहिगुरु नमो मंत्र मंत्रे भी किसी का बुरा करन वास्ते मंत्र पढ़ने। इतों तक गुरबाणी कहती है जिहड़ियां औरतां अपनी औलाद लई किसी औलाद नूं मारदियां ने अगले जन्म सपनियां बन के अपने जम्मियां नूं आप खांदियां। कदी तुसीं देखियो तवीत धागे करन वाले दा अंत किन्ना माड़ा हुंदा क्योंकि वह बंदे ने वह नैगेटिव शक्तियां नूं इकट्ठियां कीता है। उस बंदे दे घर दा औरा कदी भी साफ नहीं होवेगा जिस बंदा जिहड़ा इधर तुर गया। जदों सतगुरु जी अपने सिख नूं दीक्षित करदे ने जिहड़ा मंत्र उदों देंदे आ उसनों आपां गुरमंत्र कहने। एक साडे शब्द वरत्या जांदा मूल मंत्र पुराने गुरसिख बीज मंत्र महामंत्र माला मंत्र सारे शब्द वरते सन। वह वेख्या जो गुरसिख नूं गल्लां बातें पुछ लिया तुसीं कोई जपदे भी हुंदे हो उहने जपजी साहिब का पाठ सुनाता। उन्हें कहा भी मैनूं भावें तू कतल कर दे जिहड़ा ये महामंत्र है ना जिहड़ी ये बाणी है ये उत्ते दुनिया का कोई मंत्र असर नहीं कर सकता किसी देवते का मंत्र नहीं किसी भूत प्रेत का मंत्र नहीं। तो गुरमुखो जिस रसना उत्ते वाहगुरु जी का शब्द आ जाएगा ना दुनिया का कोई मंत्र भी उसके उत्ते असर नहीं कर सकता। सुखमनी साहब पढ़ने आसा की वार पढ़ने बाणी सिख जिन्नी मर्जी पढ़े मैं तो कहना जिन्नी उम्र घटती पई उन्ना लक बन के बंदा बंदगी वाल वध तो वध हो गए। सतगुरां की कृपा पा के रोज बाणी का खंडा खड़का ये पांच बाणियां दा टेक के नितनेम करी तेरे अंदर रोज अमृत दा संचार हो। मैं तो अक्सर कहना हुन्ना प्यारो चाहे कोई बोलदा चाहे कोई गाउंदा है चाहे किसी कोल बैठने आ जिस कोल बैठ के ना भी कुछ बोले जिस कोल बैठ के मन दा टिका बन जाए सच्ची मुची सवेरे उठ के जा उस वक्त सतगुरु दे बचन जपन दा चाह बन जाए सीधा जापा मन है वो अंदर सतगुरु की बख्शिश है। जिमें विशई नू विशई समझदा है जुआरी नू जुआरी समझदा है चोर नू चोर समझदा है भाई गुरदास साहब कहिंदे ने बटपार नू बटपार समझदा है। सच यह वे कि ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था नू केवल ब्रह्म ज्ञान वाला ही समझदा है। जिहड़े नैगेटिव बोलते हैं चलो अपनी अपनी सोझी है जी क्योंकि असीं तां बहुता समय से खिच तूची ला दें इन्हें आ बोलिया इहदा जवाब देना है। याद रखो कई बार जवाब देंद्या देंद्या अपना अंदर भी द्वेष विच रंगिया जाता भी जे बंदा इनू थोड़ा जा रोक लै ते पैरां नू चलान लग पैदियां बीमारियां मुक जाणियां खान ते कंट्रोल कर लै ते तुरना फिरना शुरू कर दे सच्ची मुची बंदे नू दवाई की लोड़ नहीं रहनी। फिर सिद्धा जे एक गल चेते रखने वाली जिदन मन मैला उदन बाणी च नहीं लगना जिदन लगता पे उदन निर्मल है। मना सुख वेख के शाला ना मार हंकारी ना हो दुख वेख के उलामे ना दे उन्हों ए ज्ञान हो गया दुख विच ते सुख विच उहदे ध्यान नूं कोई खंडा नहीं सकदा। अज तक जिन्ने आदि जुगाद भगत होए ने सब दे अंदर नूं शांति मिली है केवल रसना उत्ते राम बोल के जप जिहड़ा उह मैल साड़दा है ते जिन्ना अंदर निर्मल हो जाएगा उन्ना एकागर होण लग पएगा। गुरमुखो जपदियां जिन्ना मन एकागर हो जाएगा उन्ना नाम जपण दा स्वाद होण लग पएगा। हाथ जोड़ के बेनती है गुरमुखो वाहगुरु गुरमंत्र गुरु जोत दा कमाया होया है जेड़ा भी सिख भावना नाल इहदा जाप करेगा ते गुरु नानक साहब दी कमाई दा असर हिरदे विच जरूर होगा।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਉਸਦਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਸਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਧੁਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਿਆਂ, ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਤੁਕ ਜੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਮੰਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਅੰਜਨ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾਈ, ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਥਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਰੂਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਖਾਰ। ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਕਲਮ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਕਲਮ ਉਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਸਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 40ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 6 ਲੱਛਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2-2 ਲੱਛਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲਿਖੇ 6 ਨੇ, ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੂਰਾ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੈਤਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਜੀ, ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇਪਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਰਚਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਧੂਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਿਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਠ ਰਾਗ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੀਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੁਕਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਅਧੂਰੀ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧੂਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੈ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਲੋਕ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
वह शब्द अक्सर पढ़िया जाता है जो कोई पुरानी चढ़ाई कर जाता है, पर गुरमुखो वह शब्द दरअसल पूर्ण पुरख का जीवन है। इनू सतगुरु ने होर खोलिया जड़ा जसी वचन है वह भी शब्द है, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। अर्ज है भावें साडे गुरमुख टीकाकारा ने अर्थ किए कि जिमें जमी कोई बर्फ है उस बर्फ के उत्ते सूरज की किरण पैंदी है, बर्फ पहला पानी सी जमण करके ठोस हो गई, जदों सूरज की किरण पई फिर दोबारा पानी का पानी बन गई। उहदे विच अर्थ करदे ने खौमे करके कठोरता सी, पर जिहदे अर्थ यूं कर लईए सूरज किरण मिले कि सूरज नालों किरण कदी वख नहीं हुंदी, सूरज की किरण सूरज दे विच मिली हुई है, उहदे मिले होण करके तां तपश है, उहदे मिलन होण करके तां निघ है, सूरज किरण मिले इस तरह संपूर्ण हो गया जिवें सूरज ते सूरज की किरण मिली है। जल का जल हुआ राम, जिवें पानी की बूंद पानी भी समा जाती है, समुद्र का रूप धारण कर जाती है, सूरज की किरण सूरज विच मिली, पानी की बूंद पानी विच मिली, तो अगे सतगुरां ने शब्द वरत्या ओ जीवन संपूर्ण हो गया, वह अधूरा नहीं। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, जिहड़ी ये आत्मा सी अंदर वाली ज्योति वह परम ज्योत दे विच अभेद हो गई, रल गई, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, यह पूरा हो गया संपूर्ण थिया राम। पर जिहड़ा संपूर्ण हो गया उंज बह के खिमा करियो, मैं नैगेटिव नहीं कुछ कहिंदा, लफ्ज़ बड़े कीमती हुंदे ने, बंदे अपने जीवन नाल टुकाने शुरू कर देंदे कि पूर्ण महापुरख ने, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ने, ये बड़े पहुंचे हुए ने। सच्ची कई वेखो कोई एक उस्ताद किसी दे किसी की इंटरव्यू लेंदा जां कल लोग परचा कोई लेंदा, उहदे कोल नॉलेज ज़्यादा है ते तां ही तो दस रहा है ना, उहदे सवालों नूं कढ के दसदा है गलत है ठीक है, वह पूरा कोई दस दिंदा। तो कई बार मैं सोचना आपां किड्डी वड्डी गल छोटी जी सुरत रख के कर, मैं अपनी गल कर रहा कर दें आप एक घड़ी भी सिमरन च कदे सुरत नहीं टिकी, दूजे नूं आपां सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है। अगला पूछ ले भी तेरे कोल मापदंड की है, तरीके नाल तू देख लिया। हालांकि बाणी च मैं सच्ची तुहानूं दसां कि जिवें विशई नूं विशई समझदा है, जुआरी नूं जुआरी समझदा है, चोर नूं चोर समझदा है, भाई गुरदास साहिब कहिंदे ने बटपार नूं बटपार समझदा है, सच ये वे कि ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था नूं केवल ब्रह्म ज्ञान वाला ही समझदा है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। मैं फिर बेनती कराँ उस विषय त्यों लगा कि जिवें सूरज भी सूरज की किरण मिल गई, जिवें पानी विच पानी मिल गया, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। वह संपूर्णता की है, वो अंदरों द्वैश हो खत्म हो गई, ब्रह्म दिसै, वह जिधर झाती मारदा केवल पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं देखता। फिर अर्ज है इहदा मतलब अगे बचन आउणगे इस श्लोक विच, उहदे अंदर मित्र दी ते दुश्मन दी बिरती कोई नहीं जी, उहदे अंदर द्वैश कोई नहीं, वह हर पासे जिधर देखदा है ब्रह्म दिसै। अगली गल सानू इंसान की आवाज़ सुनाई देती है, पशु की आवाज़ सुनाई देती है, पंछी की आवाज़ सुनाई देती है, आ रुखां दे आपस विच खैण दियां टाणियां दी सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। पर महाराज कहिंदे ने जिहड़ा संपूर्ण हो चुका है उहनूं अंतर आत्मे ते बाहर मुखी परमेश्वर तो बिना कुछ होर सुनाई नहीं देता पिया, यह है संपूर्णता। फिर अर्ज है सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करणहारा प्रभ बिना नहीं जानिए, आप करता आप भुगता आप कारण किया, बिनवंत नानक सही जाने जिनी हरस पिया। मेरी बेनती है शब्द जेड़ा है दरअसल पहुंची हुए अभेद हुए पुरश के जीवन की व्याख्या, उत्थे सतगुरां ने क्योंकि असी सीध गुरबाणी चो लैनी है, कोई कोई भी जीवन होए, मैं तो अक्सर कहना हुंना प्यारो चाहे कोई बोलदा चाहे कोई गाउंदा है जिसे किसी कोल बैठने, जिस कोल बैठ के ना भी कुछ बोले
जिस को बैठ के मन का टिका बन जाए सची मुची सवेरे उठ के जा उस वक्त सतगुरु के बचन जपन का चाह बन जाए सीधा जप मन है वो अंदर सतगुरु की बख्शिश है। जिसका अंतर बस है निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। हुण सतगुरां ने जिहड़ा वो सलोक है जी 40 नंबर सतगुरां ने जिहड़ी तरतीब दित्ती उंज वैसे मैं नंबर कहिंदे आ बड़ी होर तरह का लगता एक दो तीन 40वां पदा कह लवां। उस विच सतगुरां ने पहला बचन कहा मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्णः। महाराज शब्द वरत रहे ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरणः नाणा ते पिछे हा हा है सिहारी नहीं मैसे लगी खड़वा उचारण है। जिवें भाई साहिब आनंद साहिब पढ़ रहे सन उहदे विच इक बचन आउंदा पुराने जिहड़े संप्रदाय पाठ सन गुरमुखो महसूस ना करियो वो बड़ी कमाल दे उचारण सन क्योंकि अजकल लगा मात्रा तकरीबन छड़न लग पे कई तो ये लिख भी दिता इन्हों की लोड़ ही कोई नहीं ये की क्यों रखिया ने चलो मैं इधर नहीं जाना वो जिमें करमी सहज ससाहा जजै जी सहज तो सहज सहज पढ़ने ना सिहारी लगती पी करमी सह जना उपजै विण सह सहजै सहसा ना जाए जा पाठ करने पहलै पहर है गुरबाणी च दोनों पाठ आए ने पहर भी आया तो पहर भी आया है। फिर बेनती सुनियो मैं अज भी सवेरे से बैठे सा गल कर रहे थे सतगुरां ने तो सिर्फ जित दुबारा उभरा तित्तै लिओ वार की कृपा पिंडां विच जिहड़ी शब्दावली है साडे बजुर्ग वरदे ने ते जिहड़े शहरी लोग जां लिटरेरी लोग वरदे ने दोनों के उच्चारण विच जमीन समान का फर्क है। जिवें असीं हुण पिंडां विच बोलने आ पहला पहर हो गया तो जे बाणी च पहर भी आया तो गुरबाणी विच पहर भी आया है दोनों सतगुरां ने उच्चारण रखे हुए आ गुरबाणी च इत्थे प्रकाश भी आया तो इत्थे प्रगास भी आया प्रकाश भी आया तो प्रगास गग्गे नाल भी आया है। मैं इस करके बेनती करांगा भी अपनी जिहड़ा ज्ञान है इहदा मत्थे टेक देना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब अगे ना कि अपने अपने ज्ञान नाल बंदा इस तरह चाहिए। हुण इत्थे सतगुरां ने शब्द वरत्या पूर्ण पुरख के लक्षण की ने सीधी जी गल मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्णः। मंत्र दा लफ्जी अर्थ की है उंज मंत्र दा बहुत वड्डा भारत विच ये बहुत गहरा कंसैप्ट है। वैसे मंत्र दा अर्थ है कि किसी भी देवते नू जां किसी अलौकिक शक्ति नू सिद्धी करके वस विच करन लई शब्द जां शब्दां दे समूह दा जाप करना। मैं इसे दे इनू गुरमंत्र नाल जोड़ के नहीं देखना जी जो पुरातन शब्द सी मंत्र दा अर्थ मंत्र दा अर्थ सलाह भी है दुष्ट सवा मिल मंत्र पकाया इहदा अर्थ हुंदा सलाह मशवरा भी करना थोड़ी जी क्योंकि हालांकि मंत्र उत्ते जिन्ने मर्जी दिन आपां सतगुरु की कृपा नाल विचार करी जाइए पर मंत्र दा अर्थ सी कि किसे देवते नूं अपने वस करन लई रिझाण दे लई किसी शक्ति नूं वस करन दे लई किसी भी एक शब्द जां शब्द समूह में वरते बहु शब्दां दा लगातार जाप करना उहनूं मंत्र कहिंदे हुंदे सन। साडे भारत विच भूत प्रेतां दे विरोध विच वी मंत्र पढ़े जांदे रहे उहनां नूं वस करन लई वी मंत्र पढ़े जांदे रहे पर सतगुरां ने इत्थे बख्शिश कीती। दूसरा मंत्र दा लफ्ज़ी अर्थ है जी उपदेश करना। तीसरा मैं लफ्ज़ी अर्थ करांगा कि मंत्र दा अर्थ है कि सतगुरु वल्लों जगियासू नूं सतगुरु वल्लों दिता होया वह शब्द जो सतगुरां ने आप कमाया है उस कमाए हुए शब्द नूं जदों सतगुरु दिंदे ने वह पत्थर खिरदियां दे विच वी प्रफुल्लत हो जाता है। थोड़ा जिस तों अगे आपां देखने सतगुरां ने पहला शब्द वरत्या मंत्रं राम राम नामं। पूर्ण पुरख का पहला लक्षण है वह किसी देवते दे मंत्र नूं नहीं जप रहा किसी भूत प्रेत दे मंत्र नूं नहीं जप रहा वह सिद्धि प्राप्त करने वास्ते किसी शब्दां दे समूह नूं नहीं जप रहा उस दे अंदर मंत्र दा अर्थ करांगा जाप। इहदे उंज अर्थ यही ने मंत्रं राम राम नामं दोवरी आया
परमेश्वर दे नाम राम दा वैसे लव दो अर्थ ने, आप सारे जानते हो, एक तो श्री रामचंद्र जी अवतार ने, उन्हां दा गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत वारी जिक्र आया, पर उसनू व्याख्या जदों आपां करने, एक पक्ष उन्हां दा यह भी आया, रोवै राम निकाला भया सीता लखमण बिछड़ गया, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। दूसरा असी यह भी पढ़ने उन्हां बारे सतगुरों की अमृत बाणी विच, मन में झूरै रामचंद, यह भी शब्द आता है, पर आसा की वार विच यह भी आता है, राम नाम देवा मैं सूर। फिर बेनती है, महाराज कहिंदे ने, साम कह से तांबर स्वामी सत मैं आचै साच रह सब कुछ साच समावै, रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर। उत्थे राम जी का अर्थ रामचंद्र जी है, कि उस वक्त रिग कह रहा है कि रामचंद्र जी इस तरह ने कि जिमें सूरज का प्रकाश है, रामचंद्र जी देवत्या विच सूरज दे समान ने। मेरी फिर बेनती है, पर सतगुरां ने राम शब्द की जिहड़ी वरतों है, इहदा अर्थ जो सारियां थावां ते रमिया होया है। फिर बेनती है, इत्थों शब्द रमैया बनता है, इसे नूं एक शब्द कर वरत्या जांदा है कि जिस विच जोगी लोग रमण करदे आ, राम दा अर्थ इह भी है कि जिस विच जुड़े कोई लोग रमण करदे आ, जिहदा जाप करदे आ। इत्थे गुरमुखो आपां राम दा अर्थ करांगे जो सर्व व्यापक परम सत है, जिसनों सतगुरु एक ओंकार कहिंदे आ, जिसनों सतगुरु रब जी कहिंदे आ, जिसनों अल्लाह शब्द वरत्या जांदा है। यह लफ्ज है राम दा अर्थ जो सारियां थावां ते रमिया होया है, जिन्हों सतगुरां ने बाणी विच कहा सबै कट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे, राम सिमर राम सिमर राम सिमर प्यारे। उत्थे अर्ज करांगा सब तो पहला पूर्ण पुरख का लक्षण है कि मंत्र राम राम नामंग, अद्धि तुक दे असीं अर्थ कर लेंगे, मैं कहा यह बारह भी बनते आ तुकां छियां विच, महाराज कहिंदे आ सत्तां च पहली अद्धी तो के पूर्ण पुरश ओ है जिदी रसना दे उत्ते राम का मंत्र परमेश्वर दे नाम दा निवास है, जिस दी रसना सिर्फ वाहगुरु जी नू जपदी है, किसे होर मंत्र दा जाप नहीं करती। इत्थे थोड़े थोड़े आपां नाल अर्थ करी जाने, उंज वैसे गुरमत ने शब्द जाप ते भी जोर दिता है, पर मैं फिर भी बेनती करांगा आप इस नू खब्बे सज्जे लिजा के जिवें दूजे मंत्रां नाल तुलना देने आ, असल च गुरु साहिब आप बाणी च वार वार नाम सिमरन की ताकीद करते, क्योंकि बाणी विच वार वार जिक्र है, पर एक सतगुरां ने होर कृपा की भी बाणी च ना जिथे नाम हुंदा कई थावां ते गुरमत नाम हुंदा। हाँ जी, गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, गुरमत नाम का अर्थ इउं करांगे जदों सतगुरु जी अपने सिख नूं दीक्षित करदे ने, जिहड़ा मंत्र उदों दिंदे आ उसनूं आपां गुरमंत्र कहिंदे आ। एक साडे शब्द वरत्या जांदा मूल मंत्र, पुराने गुरसिख बीज मंत्र, महामंत्र, माला मंत्र, सारे शब्द वरते सन, पर अज जदों असीं पढ़ने आ कि जदों सतगुरु गुरमंत्र दी दात दिंदे आ, थोड़ा जिहा सुणियो खुद गुरु नानक साहिब जी बारे, क्योंकि हुण सब नूं पता है, ये लुकिया छिपिया नहीं कि वाहिगुरु गुरमंत्र है जप होमे खोई। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी ने गुरु नानक साहब जी बारे अपनी वार विच एक वेरवा दिता है, वो चार तुकां ने, सत रूप सत नाम कर सतगुर नानक देव जपाया। याद रखियो सत नाम का जाप भी संगति रूप च हुंदा सी, आप जी जो पाठ करते हो राम शब्द आंदा गोवर्धन आंदा मुरारी, तो मैं हर वारी बेनती करना कि गुरमुखो सच्ची तुहानूं दसां कि जिन्नी गुरु ग्रंथ साहिब की विशालता है ना परमेश्वर के नाम बारे, शायद इन्नी विशालता किसी मजहब विच नहीं जे, जिन्नी विशालता है इस विच, तुसी राम बोलो गोवर्धन बोलो मुरारी बोलो, कोई शब्द ऐसे ने जिहड़े देवत्यां नाल संबंधित ने, उन्हां दे बिल्कुल नामां दी व्याख्या करदे आ। हुण कई वारी शब्द मैं हुण शब्द बोलिया मुरारी, इहदा अर्थ है मुर दैत नूं मारन वाले कृष्ण जी, असीं शब्द बोलने आ दमोदर, दमोदर का अर्थ है जिहदे उदर दे दुआले तड़ागी बन्नी है, तड़ागी पुराने सज्जनां पता काली जी डोरी बन्नदे सन, असीं शब्द वरतने आ श्याम सुंदर, ते श्याम दा अर्थ काला,
महाराज ने शब्द वरत्या सावल सुंदर राम अय्या श्याम सुंदरता नींद क्यों आई। फिर अरे सुनियो सतगुरु ने सतनाम का भी जिक्र किया, जप मन सतनाम सदा सतनाम, सतनाम तेरा परा पुरबला गुरु साहब ने वरत्या। पर मैं विषय तो दूर नहीं जावांगा, मंत्रंग राम राम नामंग सतगुरु ने यह बख्शिश की। भाई साहब कहते सत रूप सतनाम कर सतगुर नानक देव जपाया, पंजाबी दी सतरां ने जी, सत रूप सतनाम कर सतगुर नानक देव जपाया, धर्मशाल करतारपुर साध संगत सच खंड वसाया। आप जी नूं पता ना करतारपुर नूं भी दरबार साहब कहिंदे आ, जो पाकिस्तान जाने उत्थे दरबार साहब कहिंदे आ करतारपुर नूं। मेरी बेनती है धर्मशाल करतारपुर साध संगत सच खंड वसाया। अगे भाई साहब जी कहिंदे वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया, वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया, धन गुरु नानक साहब जी ने गुरसिखा वाहेगुरु शब्द दृढ़ कराया सुनाया। होर बेनती गुरसिखे का ज अज भी आप सारे करने, भाई गुरदास साहब ने जीवन मुक्त सिख की जी परिभाषा दी है वो लिखे है गुरसिखी गुरसिख सुन अंदर सियाणा बाहर भोला, शब्द सुरत सावधान होए बिन गुर शब्द न सुनी बोला, सतगुरु दर्शन देखना साध संगत बिन अन्ना खोला। उहदे विच इक तोके वाहिगुरु गुर शब्द लै पिरम प्याला चुप चु बोला, वाहिगुरु शब्द वरते। मेरी अर्ज है पूर्ण पुरख का पहला लक्षण ए वे कि गुरमुखो मंत्रंग राम राम नामंग, ओ परमात्मा दे नाम नूं दो अर्थ मैं करन लगा, मंत्र राम दा उस राम दा ही नाम अपनी रचना के उत्ते दृढ़ करता है। क्योंकि असी जदों भी गल करने जड़ा नाम है एक शब्द आप चलो वाहेगुरु गुरमंत्र पढ़ने उ सतगुरु ने वचन भी किया कि भाई पापड़िया पाछाड़ बानस चावा संज कह गुरमंत्रता चिड़ा चितार नानक दुख ना थी वही, कि तू गुरु मंत्र का जाप इन्ना क कर। इस थोड़ा ध्यान न सुनियो, एक तो चलो कई बार असं कह दें संगत च कहने सारी संगत बोलो जी वाहिगुरु, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि अमृत की दात जी मैं हर थान कह रहा अमृत की दात की व्याख्या बड़ी होर तरह कर दी, आप भी कर लग पे उत्थे वो तो लक बन के तुरे सन कि अमृत इस करके चाहिए से क्योंकि उदो फौजा चाहिए सन उदो ता शस्त्र पवा दते। मेरे खाते जोड़ के बेनती है अमृत केवल दुश्मन का मुकाबला करने नहीं, ये अमृत की दात अंदर दे दुश्मना ते फतेह पाने वास्ते गुरमंत्र दृढ़ कराने की मर्यादा है। ये सतगुरु ने सानू आप बख्शिश की जी, पंज प्यारे साहब गुरमंत्र दृढ़ कराते हैं, अमृत संचार हुंदा है। मेरी फिर बेनती, एक दिन मैं कहा सी स्टॉकटन कि जेड़ियां बाणियां नाल गुरसिखो अमृत तैयार किया जाता है उन्हां बाणियां दा अमृत वेले आपां नितनेम कर रहे हैं। सुखमनी साहब पढ़ने हैं, आसा की वार पढ़ने हैं, बाणी सिख जिन्नी मर्जी पढ़े, मैं तो कहना जिन्नी उम्र घटती पई उन्ना लक बन के बंदा बंदगी वल वध तो वध होवे। पर जो बाणियां दा अमृत तैयार होया वो ही साडा नितनेम है, अमृत संचार होया। इहदा मतलब यह सी भी ये जल उत्ते पंजां ने पढ़िया सतगुरां ने पढ़िया ये जल अमृत बन गया, तो गुरमुखा हिरदे नूं बना अपना बाटा, सतगुरां दी किरपा पा के रोज़ बाणी दा खंडा खड़का ये पंज बाणियां दा टेक के नितनेम करी तेरे अंदर रोज़ अमृत दा संचार होवे। सतगुरां ने मैं फिर बेनती करांगा सब तो पहला जिहड़ा स्टैप है गुरमत दा वो है नाम जपणता साडी रसना तो। अगली गल होर उंज मैं क्या राम ही कोई कह सकदा है रहीम सारे शब्द वरते, पर वाहेगुरु शब्द सतगुरां दा अपना कमाया होया शब्द है। इहदे लई एक उदाहरण देंगा पर हो सकदा चंगी जी ना लगे पर मन नूं समझाउण लई है ना। तुसीं कदी देखो भारत विच बिल्डिंग 500 साल पुरानी है, बोर्ड ते पिपल दा जिहड़ा रुख है वह एक साल विच उत्थों निकलदा पिया ते पत्थर विचों निकलदा। कई इमारतां ऐसियां ने जिन्हां दे विचों बोर्ड दे रुख पिपल दे रुख, ते जे मान लो जदों दी इमारत बनी जे उदों दा बीज टिकिया हुंदा ते अज क्यों निकलदा पिया नहीं प्यारे हो।
उस बीज नूं पंछी खांदा है, उस पंछी बीज नूं अंदरों कमा देंदा है, उहदे अंदर जाके उस बीज विच इन्नी ताकत आ जांदी है, वह पत्थर ते भी सट्टे ते पत्थर उत्ते भी बीज पुंगर पैंदा है, वह रुखां दे रुख दे उत्ते सट्टे रुख विचों रुख निकल आउंदा है, इमारत विचों निकल आउंदा है। हाथ जोड़ के बेनती है गुरमुखो, वाहिगुरु गुरमंत्र गुरु जोत का कमाया होया है, जेड़ा भी सिख भावना नाल इहदा जाप करेगा ये गुरु नानक साहब की कमाई का असर हिरदे विच जरूर होगा। इस सतगुरां ने साडे ते बख्शिश की। मैं फिर अर्ज करांगा, पहला लक्षण महापुरख का है उहदी रसना तो वाहिगुरु शब्द शुरू करता है, नाम जपना शुरू करता है, तो जाप मैं कल भी कहा सी जाप का खंडन भी है तो जाप का मंडन भी है। कल मैं आप नूं कहा सी क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, तो दूजे पासे बाबा फरीद साहब जदों ये शब्द कहिंदे आ महाराज जी बचन करदे आ, बेड़ा बंध ना सक्यो बंधन की बेला, पर सरवर जब उछल है तब तरन दिखेला, तो बाबा जी का उत्तर देंदे ने बेड़ा एक है जप तप का बंद बेड़ लाजित लंघे विखेला, जप का तप का बेड़ा बन। ओ गुरमुखो असी एक पक्ष क्यों कि भजन का राह लभने, जिहड़ा नहीं जपदा वह प्रमाण ये ठोकने शुरू कर देना, नहीं महाराज ने इस तरह कहा। सब तो पहली बेनती है जी, जिहड़ा पूर्ण पुरख है उहदी रसना दे उत्ते करते पुरख वाहिगुरु जी दे नाम का निवास है, क्योंकि रसना बड़ी बख्शिश कर रही, तो रब की बड़ी दित्ती दात है जी तो रसना। उंज मैं बेनती करांगा, अज भी असीं सैर करदे मैं कहा भी मैं एक तत् कढ़िया भी जे बंदा इहनूं थोड़ा जिहा रोक लै ते पैरां नूं चलाण लग पैदियां बीमारियां मुक जाणियां ने, खाण ते कंट्रोल कर लै ते तुरना फिरना शुरू कर दे, सच्ची मुची बंदे नूं दवाई दी लोड़ नहीं रहनी फिर। उंज रसना जिहड़ी है इह इह इसे नाल साडा संसार दा संबंध बणिआ, जो असीं बोलने आ साडे बोल चाल करके रिश्ता बणदा। मैं तां इक दिन बेनती कीती सी कि बच्चे दे जन्म तो बाद पहला रिश्ता जिहड़ा मां नाल बनता वह इस मूँह करके बनता है, क्योंकि पहला प्यार लगा थन दुध, माँ का दुध चुंघदा तां रिश्ता बनता है। प्यारे वाहिगुरु जी नाल भी जिहड़ा रिश्ता शुरू हुंदा है वह सब तो पहला जिहड़ा है वह साडी रसना है, इस रसना दे उत्ते वाहिगुरु जी का शब्द टिक जाए। गुरु साहब जी ने बख्शिश की किन्ना क जपीए रसना दे उपर, वाहिगुरु शब्द आप संगति रूप च कहने गुरमुखो गुरबाणी मुताबक, अपना तो इन्नी कोई जीवन नहीं पर जो सतगुरु कहिंदे आ गल तां करिए, कदी तां चाह बनेगा। सतगुरु कहिंदे आ जदों रसना नाल नाम जपने आ ठीक है मन बड़ा भजदा बहुत भटकदा, इहनूं इहनूं इह सच्ची तां दा मरी पै जांदी नाम जपन लगे, पर जदों अंदर टिकन लग पए ना उदों दुनिया वालों मरी पै जांदी, फिर नाम विच जीउण लग पैंदा। फर्क है, सब तो पहला जिहड़ा जप है शुरुआत करदे आ मन नहीं टिकेगा। हाँ बहुत चंगे पाग होण कितें पूरे बिल बख्शिश होए, नहीं तो मन भटकदा है खब्बे संजे दसी पासी, पर गुरु का शब्द जिहड़ा सिमरन है जिहड़ा जाप है सब तो पहला रसना ते नाम टिक जाए तो मन की एकाग्रता तां बनती है, क्योंकि शब्द जिहड़ा वह मैल साड़न लग पैंदा है, मैल तो ख्यालां दी फुरने ने जी, जप जिहड़ा वह मैल साड़दा है, तो जिन्ना अंदर निर्मल हो जाएगा उन्ना एकाग्र होने लग पएगा। गुरमुखो जपद्या जिन्ना मन एकाग्र हो जाएगा उन्ना नाम जपण का स्वाद आने लग पएगा, उहदा रस आने लग पैंदा। गुरु साहब जी ने यही बख्शिश की भी सब तो पहला लक्षण कि परमात्मा की बंदगी करन वाला पूर्ण पुरख जिहड़ा उहदी रसना उत्ते परमात्मा का नाम है अठे पैर, थोड़ा समा नहीं अठे पैर। संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआने वाले ये जो फौज में सन, मैं एक घटना अपना सांझी कर देना, उत्थे एक ग्रंथी साहब सन उन्होंने नाम भाई जोध सिंह सी, इन्होंने गुरुद्वारा साहब जाना। भाई जोध सिंह की करते सन रोजाना अमृत वेले उठ के इशनान पान करके वो आत्म अभ्यास करते सन। इन्होंने एक दिन देखा उन्होंने कितों लगी सिमरन की चेटक, उन्होंने देखा बिल्कुल अडोल बैठे सन,
उन्हां दा चेहरा ऐ नूर नाल भरपूर सी, नेत्र बिल्कुल मिटे हुए। एक कोल बैठ के जदों उन्हां दे नेत्र खुले वो उठे, इन्हां ने एक सवाल किया, जी तुसीं नेत्र बंद करके बैठते हो, तुहाडा चेहरा दगदा करदा है, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼? ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼? ਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋਖਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼? ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਧੋ ਨਹੀਂ ਤੈਂ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੈਂ ਖੂਬ ਵਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈ। ਵਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਖੂਬ ਵਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਤਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਖੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਖਿੱਚ ਧੂਚੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਿਵਰ ਮੋਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਬੋਲ ਸੱਚਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਆਦਮ ਜਾਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਦਮ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਬੋਲ ਕੇ। ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਛੋਟੀ ਮਾਲਾ, ਸਿਮਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨੀ ਜੀ? ਪੱਥਰ ਦੀ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ, ਉੱਨ ਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਮਰਨੀ 'ਤੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨਾ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਕੜ ਮਣਕਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰਗ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਆਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੁਗਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ। ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨਸ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਸੁੱਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਸਿਰਫ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਰਸਨਾ ਜਪਣ ਦੀ? ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾ ਗਿਆ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਸਵਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਮਧਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਚਾਟੀ 'ਚ ਰਿੜਕਦਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
जे इटियां घुट के पकड़ के बीबी खब्बे सजे इस तरह करती है ना, खब्बे सजे हाथ नाल अगे पिछे करके मधाणी का फुल खब्बे सजे रिड़ के जम्मे खोए दही विच्चों मक्खन कर देता है। सतगुरु वचन कर दिया तो रसना तो वाहगुरु वाहगुरु जपया कर, तेरे शरीर विच्चों नाम अमृत प्रगट हो जाएगा। जपो तो एको नामा, सुई राग का पहला शब्द जी भांडा धोए बैस धूप देवो तो दुध है को जावहो, दूध कर्म कर सुरत समायन होए निराश जमाहू। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा, जप मंत्रंग राम राम नामंग। महाराज कहिंदे ने भाई सब सज्जना जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा, ए मन ईटी खात करो फुन नेत्रो नींद ना आवै। रसना नाम जपो तब मथी है, वो तू तो रिड़कद ही कुछ नहीं पिया, तेरे अंदर परमेश्वर तत् पिया है। जिमें दही विच पिया होया मक्खन रिड़कन तो बिना बाहर निकलता, वाहगुरु वाहगुरु जपन तो बिना रसना न रिड़कन तो बिना अंदरों अमृत नहीं निकलता। रसना नाम जपो तो मथी है, इन बिद अमृत पावो। इस तरीके कि जपीए बाबा जी, मैं फिर बेनती करा कि जपीए। कह लगे जे वाहगुरु जी दे घर जाना ही ना, एक दो जीवो लख हो है लख होवे लखवीस, मंत्रंग राम राम नामंग। उन्होंने रसना ते वाहगुरु जी दे नाम मंत्र है, किसी देवते दा मंत्र नहीं, किसी भूत प्रेत दा मंत्र नहीं। ते गुरमुखो जिस रसना उत्ते वाहगुरु जी दा शब्द आ जाएगा ना, दुनिया दा कोई मंत्र भी उहदे उत्ते असर नहीं कर सकता। एक होर उदाहरण दिया, सज्जन ने सुनाई सी शायद प्रिथीपाल सिंह उन्होंने परिवार में सी जी, कोई घटना मैं जि थोड़ी जी याद है, मैं उन्नी को यह मंदरी मंत्र कर दिया। इतने भी इतने इस मुल्क भी बेड़ा बैठा बै खेमा कर दिया जी, तवीतं धागा वाले आ कर देंगे असी, आ कर देंगे मियाँ जी, आ कर देंगे दूजे, आ कर देंगे। वो किसी गुरसिख न राजा डरदा सी जगीरदार, उन्हें मंदरी नू किया, मंदरी समझना मंत्र करने वाला, भी मैं इनू काबू करना, यह नुकसान मैं तो थोड़ा इस करके ना, मैं डिटेल च कोई गल नहीं की मंत्र की, आप उन्नी कु करनी जिनी कु गुरमत सानू समझाती। उंज मंत्रा विच बहुत कुछ भैड़ा भी पिया है गुरमुखो, पर गुरु साहब ने सब तो वड्डा मंत्र मन्या वाहगुरु नमो मंत्र मंत्रे। महाराज जी ने शब्द वरत्या परमात्मा ही मंत्रा का मंत्र है, जेवा मणिया मंत्र एदू वड्डा मंत्र किहड़ा है। उन्हें कहा उन्हें शुहारियां ते मंत्र पढ़िया जी, शुहारे ना मंस के। मैं फिर बेनती करांगा इनू गुरमत अनुसार मैं इस चीज नू खंडन कर रहा, भी किसी का बुरा करने वास्ते मंत्र पढ़ने। इतों तक गुरबाणी कहती है जेड़ियां औरतां अपनी औलाद लई किसी औलाद नू मार दियां ने, अगले जन्म सपनियां बन के अपने जम्मियां नू आप खांदियां ने। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, महाराज ने की वरत्या शब्द, सरपण होए कै उतरै जाए अपने खाए, अपने जम्मियां नू खांदियां ने। कदी तुसीं देखियो तवीत धागे करने वाले का अंत किन्ना माड़ा हुंदा, क्योंकि वह बंदे ने वो नैगेटिव शक्तियां कठिया किया। उस बंदे दे घर का औरा कदी भी साफ नहीं होगा जिस बंदा जिहड़ा इधर तुर गया। पर मैं बेनती करा, उन्हें कहा भी उन्हें शुहारे ते मंत्र किया, शुहारा जिहड़ा खाने वो कितने भुलेखे ना कवा तो बंदा बे ठीक। वो कराने ने कहा उत्ते कोई असर नहीं होया, उन्हें दो तीन बारी किया, फिर जिन्हें कराया उन्हें राजे ने कहा मैं तेनों खत्म करांगा तेरा मंत्र की। उन्हें कहा मैंने एक बार मिला तो सही कराना कि वेख्या जो गुरसिख न गलां बातें पूछ लिया तुम कोई जपते भी होंगे हो, उन्हें ना जपजी साहब का पाठ सुनाता। उन्हें कहा भी मैनू भावें तू कतल कर दे, जेड़ा ये महामंत्र है ना जी ये बाणी है ये उत्ते दुनिया का कोई मंत्र असर नहीं कर सकता। मैं आपको बेनती करा गुरमुखो इनू हिरदे ना लैके चलीए, क्योंकि शब्द इकला गुरुद्वारे तक सीमित नहीं, शब्द ने तो उत्थे जाना जो गुरुद्वारे साड़ा भोग पैना, आत्मा नाल शब्द ने तुरना है। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद मारे, महाराज कहते किन्ना जपीए सतगुरु। कह लगे भाई जे इस रस्ते ते तुरना ही ना, ये स्टैप बाय स्टैप ए ने एक दू जीवो लख हो, एक दू जीवो लख हो, लख होवे लखवीस, एक तो लख लख तो भी लख 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 गेड़ा आखी है। हा 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 इना जप हुंदा है जी,
करने वाले करते आप कहेंगे जीव अगे मैं बेनती करना ये किमें हो जाता है लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एक है स्टैप एत राह पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस पति दे घर नू जाने इन्ना जप कर महाराज ये आम बंदा कह गया अत कथनी लख हो सकते ने हाँ भाई नंद लाल साहब कहते होंगे ने महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने बेनती करते ने मम स मेरे सतगुरु जी तुसी एक मेहर करो जिन्ने मेरे आ केस ने हर सरे मयूम जुबां कुन अज करम ये जिंदगी नामा फिर बेनती सुनियो जिन्हें मेरे मूहे दर्थ लभ पारसी मूहे केस नू कहिंदे गुरबाणी च है मम सर मूहे अजराइल गिरफ्त है हर सरे मयूम जिन्हें भी मेरे रोम ने उंज वैसे शास्त्रकार कहिंदे ने 3.5 करोड़ रोम है बंदे की बॉडी च पुराने लोग कहिंदे ने हुण याद रखियो कि दूजी बोला किवें आउणा है भाई साहब कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हें रोम ने इन्हां रोम के जिहड़े पतले हिस्से ने इन्हां उत्ते जीव ला दिओ ता जो मैं दंब दंब सारी जिंदगी तेरा जाप ही करता रहा हर सरे मुयुम जुबां कुन अज करम ता बगोयम वसब हाकरा दंब 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 मैं एक एक दम च बोला वाहिगुरु ते रोम रोम जड़ा वाहिगुरु पुकार उठे मेरी बेनती पूर्ण पुरख का पहला लक्षण मंत्रंग राम राम नामंग फिर की जी उदा ध्यान केवल एक धर्म स्थान तक नहीं मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सरबतर पूर्णह ध्यानंग दर समझ गए ध्यान का लफ्जी अर्थ हुंदा है जी किसे एक बिंदु ते बिंदु शब्द समझदे ना टारगेट कहिंदे आ एक थां ते अपनी सुरती बिरती नूं पूर्ण तौर ते एकागर कर देना ध्यान नैगेटिव ही हुंदा है ते ध्यान पॉजिटिव ही हुंदा है बगल समाधि जिहड़ी उह वी ते ध्यान है ना वो डडियां मच्छियां खा रहे कह पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो पर इत्थे सतगुरु कह रहे ने ध्यानंग सरबत्र पूर्णा उहदा ध्यान जुड़िया है सरबत्र दर ते सारियां थावां ते पूर्णा दर ते परिपूर्ण परिपूर्ण परमात्मा जी जिहड़ियां सारियां थावां ते रमे ने साचे वे गुरमुख नाम जपण वाला केवल अंदर ही नहीं उदा ध्यान इन्ना क परपक हो जाता सर्व व्यापक वाहगुरु जी के ध्यान जुड़ता है सर्व व्यापक नू जानना फिर सुनियो गुरमुखो एक दो श्लोक ने पर शुरुआत तो नहीं अंदर तो असी कहने बाहर सब कुछ वाहगुरु वह गुरमुखो बाहर की शुरुआत ही अंदर तो है घर सुख वसया बाहर सुख वाया महाराज कहने सो अंतर सो बाहर अनंत अंतर है ते बाहर दी समझ पैनी कबीर साहब दे दो बचन ने एक है नीचे लोयन कर रहूं ले साजन घट माहे मैं अगली हुण अद्धी तोक अगली ते आ गया हूं मंत्रंग राम नाम नामंग ध्यानंग सरबत्र पूर्ण महाराज कह रहे ने मैं अपनियां अखां नीवियां कर लिया सौखे अर्थ ने नीचे लोयन कर रहूं एक हुंदा है अखां बंद होनियां रस विच एक हुंदा है किसे अखां बंद वाले दी रीस करके अखां बंद करनियां उहदे नाल गल नहीं बनदी मैं गल इक कह दियां जदों संसार दी वासना विच भी बंदा उतरदा है अखां तां उदों भी उहदियां बंद हुंदियां ने रस है ना उहदा ते जिहड़ा करतार दे रस विच परमात्मा दे रस जांदा है कबीर साहब जी ने कहा नीचे लोयन कर रहूं ले साजन घट माहे बगले दी तरह नहीं मेरे हिरदे भी जो भाई साहब पढ़ रहे सन मन चाओ भया प्रभ आगम सुने मैं अपने नेत्र बंद कर लै हिरदे सजन आ गया सब रस खेलू पीस हो किसू लिखाऊ आखे मैं अपनी अखा बंद कीतिया अपने पति का मिलाप होया है मैं तुम्हें इशारा पहला कर गया अखा बंद का हूँ उ महापुरख जेडे अखा बंद करके रस लै रहे सन वह अखा खोल के देखते आ जो पूछया जी हूँ सज्जन चले गए कहते नहीं उन्होंने इन्नी कृपा कर दी जेड़ा रस अखा बंद करके से ना हूँ अखा खोल के वेखना चार चुफेरे ओदा ही ध्यान है आठ जाम 64 घरी तौ निरखत रह जियो नीचे लोयन क्यों करूँ सब घट देखो पियो सरबत्र का ध्यान धरना
दास कई बार बेनती करता है गुरु गोबिंद सिंह जी का यह बचन उन्हें तो महाराज कह ध्यान तरो तें को मन में जे को अमितोज सब है जग छायो उहदा ध्यान तर तर भवन मखीप सुर नर असुर नेत नेत बाण त्रिण कहत जंगल दे तिनके तुहानूं नेत नेत कह रहे आ महापुरख होवे गुरमुखो जी का ध्यान सिर्फ ये खिमा कर दिया जी धर्म अस्थान की चार दवारी तक नहीं उहदा ध्यान पूरे ब्रह्मांड नूं रब दा मंदर समझदा है। महाराज कहिंदे मंत्रंग राम राम नामंग पहला लक्षण दूजा सरबत्र दे ध्यान च जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे जमीन जमान के बिखे समस्त एक जोत है ना काट है ना बाढ़ है ना काट बाढ़ होत है। महाराज कहिंदे जले हरी थले हरी इस किन्ने प्यारे शब्द वरते जले खै थले खै उह सरबत च जल थल मैयल पूरिया रविया विच वणा महापुरख पूर्ण पुरख का दूजा लक्षण है जिथे भी जाता है वह कित भी चला जाए ध्यान दे विच रहिंदा है उस परमात्मा दे ध्यान च मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सरबत्र पूर्ण हाँ। अगे जी उन्हों ज्ञान हो गया फिर ध्यान न सुनो पहला स्टैप है जपना दूजा है ध्यान पक जाना जपांगे तो ध्यान पकेगा हुण तीजी कृपा की हुई कहन लगे हुण इस ध्यान विचों एक ज्ञान निकलिया वह ज्ञान है मंत्रंग राम राम नामक ध्यानंग सरबत्र पूर्णा ज्ञानंग सम दुख सुखंग उनु ए ज्ञान पता लग गया भी मना सुख वेख के शाला ना मार हंकारी ना हो दुख वेख के उलामे ना दे उनु ए ज्ञान हो गया दुख विच ते सुख विच उहदे ध्यान नू कोई खंडा नहीं सकता। फिर अर सुनियो क्योंकि जो सुख आता ना थोड़े चिर लिए आ दुनियावी सुख की मैं गल कर रहा बड़ा तूफान पैदा करता बंदे च थोड़ चिरा सुख थोड़ी जी खुशी देता है उदू बाद निराशता दे जाता है जी कोई सुख वेख लो आप जी जिस चीज़ में आप सुख कहने कोई दिन चंगी लगती उदू बाद मन भैड़ा कहता नहीं हूँ ये काम निबड़ गया अगला सुख कहड़ा वो फिर सुख जिहड़ा खौमे नूं ही बखा जब कुछ पावत तब गर्व करता है माया गई तब रोवन लगता है उसनू ज्ञान हो जाता है कि बाहर का सुख तो बाहर का दुख उहदे विच अपनी सुरत नूं खिंडन नहीं देंदा संपै देखना हरखी है विपत देखना रोए कबीर साहब जी का शब्द है जी जदों नूं संपै दौलत मिलदी है उदों अहंकारी नहीं हुंदा ते गुरमुखो जदों उहनूं उहदा सब कुछ चला जांदा है उदों रब नूं उलांभे नहीं दिंदा संपै देखना हरखी है विपत देखना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है बिद ने रचिया सो होए जिस तरह खुशी है इस तरह गमी है। बाबा फरीद साहब ने कहा कि रब दे बूहे उन्हां लई खुलदे आ फरीदा दुख सुख एक कार मैं बेनती करा आ ज्ञान हो जाना ये ज्ञान की कथा करनी गल वक्री है सुरत विच ज्ञान हो जाना तुसीं जिंदगी का तजर्बा करो गुरमुखो जिहड़ा दुख अपने घर जो वापरदा है ना जिहड़ा चीसा वह मारदा गवांडी का दुख चीस नहीं पैदा करता वह नहीं करता। महाराज ने कहा उन्हूं ज्ञान हो गया जप के दुख ते सुख ते जिंदगी का हिस्सा है इन्हें नाल तुरना है वह फिर यह भी कहिंदा वाहिगुरु जी दुख ते सुख च मैं तैनूं उलामे नहीं देंदा ये तेरी दात है किसी नूं सुख देना केत्या दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार पर बंद खलासी भाणा होए तेरे भाणे दे विच रहण नाल बंद खलासी हुंदी दुख ते सुख दा हिस्सा है। गुरमुख दुख ते सुख मनदा ही है ना जिहड़ी चीज़ नूं मन मनन लग पैंदा उह सुख बन जांदी जिहदा विरोधी हो जांदा उह दुख बन जांदा जरूरी नहीं जिहड़ा मेरा मन नूं दुख दे रहा उह दूजे लई सुख भी हो सकदा है। इस नूं थोड़ा फिर बेनती नूं सुणियो जी किसी बंदे नूं दुनियावी सुख मिल रहा है उहदा बिजनेस चल पिया मैं दुनियावी जी उदाहरण लै रहा बिजनेस चल पिया आ कुछ हो गया वह परिवार च खुश है खुशकी है तो जिहड़ा उहदा विरोधी है वह रात नूं नींद नहीं पैंदी पई डिप्रैशन दीआं गोलियां लभदा फिरदा है हुण जिहड़ा उहदा सुख है उहनूं दुख दे रहा है तो जिद्दन उहदे घर दुख आ जाएगा रात कहेगा सुख ना समेगा ये सुख भी है जिहड़ा मानसिक तल ते चलदा है। गुरु जी ने फरमाया कि पूर्ण पुरख का यह दूसरा लक्षण है
वह दुख तो सुख में बराबर जाता है। फरीदा दुख सुख एक कर दिल ते लाहे विकार अल्लाह भावै सो भला। जो रब नूं पाउंदा है उही भला, अल्लाह भावै सो भला तां लभी दरबार। मैं अक्सर कहना हुंना भाई भिखारी की घटना किड्डी वड्डी मिसाल है पूर्ण पुरख के दुख सुख नूं बराबर दी। मेरी फिर अर्ज है गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन किड्डी वड्डी उदाहरण है। माछीवाड़े का जिक्र करदिया कवि सेनापत ने मैं एक बार सुनाया सी माछीवाड़े भी कि एक गल सेनापत लिखता है कहिंदा निरंकार नूं कोई दुख सुख असर नहीं करता। किन्नी रचना कर देंदे ने तुसी देखो हुण जे कहीए भी इह संसार वाहगुरु जी तो बिना चल रहा। आस्तकता असीं रोज करने सो दर तेरा कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। वाहगुरु जी इहदी सीधी गल आपां कहिंदे आ भी ये जिहड़ा साडा बिजनेस है ना फलानी थां तो कंट्रोल हुंदा है। इहदा हड्ड सो होवे सी अज दी शब्दावली कहिंदे वाहगुरु जी तुहाडा ओह दरवाजा तुहाडा कर किहा जा है जिथे बैठे मेरे वाहगुरु जी सारिया सृष्टिया सांभी बैठे हो। महाराज कहते अल्लाह भावै सो भला तां लभी दरबार। सतगुरु ने कहा मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सरबत्र पूर्ण है ज्ञानंग सम दुख सुखंग। तो उहदा चौथा लक्षण पता की हुंदा जुगत निर्मल निर्वैर ने पूर्ण पुरख मैल नहीं अंदर रखता। गुरमुखो जिदन खंडा बने बाणी समझो मैल। सीधा जे एक गल चेते रखण वाली जिदन मन मैल है उदन बाणी च नहीं लगना, जिदन लगता पे उदन निर्मल है। जुगत दरते जीवन जीन दा ढंग पूर्ण पुरख दे जीवन जीन दा ढंग ए वे ओ अत दा निर्मल है। किन्ना निर्मल? ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। उंज आपां कहिंदे मैला पाणी, पाणी कदी नहीं मैला हुंदा जी। वो मैल नूं लाण वास्ते मैला लगदा है पर मैल तां थले बैठी रहिंदी, पाणी ते असमान विच उड जांदा। उस तत नूं कोई मैल नहीं। निरवैर ने वह वैर तो रहत है, कदी वैर नहीं कमांदा। इन्नियां कु बेनतियां स्वीकार करियो। इस विषय नूं आपां एतवार तक अज शुरुआत कर दित्ती है ते बहुत चंगा होवेगा जिहड़े गुरमुखे दा पाठ करके आउण होर भी सौखा लगदा है। ये 40वां पद है जी श्लोक संस्कृति का। आओ हुण आपां 10-12 मिनट ना जी नाम जपिए। सारे कृपा करो, बहुत आनंद आया राती जी, भावें मैं बहुत थकिया होया भी सी ये सफ़र करके, पर आप जी ने नाम करके बहुत असीस दिती। सारे कृपा करो, मेरी बेनती है जी सारे बोलियो प्लीज़। आपां जिन्नी कथा की है ना इहदा निचोड़ आ ही जे आपां सारे जपांगे तां। करो कृपा जी। सत नाम वाहे गुरु, 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 सत नाम वाहे गुरु। सारे कृपा करो गुरमुखो। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु।
वाहे गुरु सतनाम 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 वाहे गुरु 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 सारे कृपा करो गुरु को तान ला के वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ